आगे। और आप देख सकते हो रोज है, देखो इधर इसको रोज बोलते हैं, देखो कैसे भागे जा रहे हैं। तो फिलहाल जो है कि सब गाय अभी यहाँ पे बैठे हैं, तभी यहाँ से उनको उधर वो साइड को बांधना है, क्योंकि अभी यहाँ पे सुबह सुबह क्या होता है कि धूप आ जाता है एकदम, देखिए ऊपर से सुबह सुबह धूप आने के बाद यहाँ पे तो बाहर लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे चारा चारा पूरा खाने के बाद फिर से दोपहर को इधर लेके हम आ जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, कैसे सब, कैसा है, आई होप आप सब मौज में हो। घर में भी एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल अभी तो बज रहे हैं 8:30, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई जल्दी होती नहीं। यहाँ लगभग तो मैं जब से आया तब से 8:30 बजे ही उठ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का हमको गाय चराने के लिए जाना नहीं होता है, और चारा भी बहुत कम लाने का, एक साथ ला के इधर डाल दिया तो बाद में आप थोड़ा थोड़ा डालते रहो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो इसकी वजह से हम आराम से 8:30 बजे उठ जाते हैं। तो अभी चाय पानी तो फिलहाल हो चुका है, और अभी जो ये गाय है इनको पूरे नीचे लेके जाने वाले हैं। और बहुत सारे जो दोस्त हमारे पूछ रहे थे कि दूसरी गाय कहाँ है, तो बहुत सारे जो नए हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता कि बाकी गाय कहाँ गए और हम कहाँ गए। तो अभी फिलहाल हम गुजरात में आ गए, और पिछले जो हमारे बाकी सब गाय है वो महाराष्ट्र में है। थोड़े दिन अगर ये सब गाय को यहाँ पे सेट हो जाते हैं तो पूरे के पूरे जो गाय है, पूरे तो नहीं लाएंगे लेकिन आधा आधे से ऊपर तो हम वो जो गाय है वो इधर लेके आ जाएंगे। और अभी जो गाय है, और अभी हम पूरे के पूरे जो गाय है ये बिना दूध के लाए हैं, जो कि सभी के सभी बच्चा देने वाले हैं, क्योंकि अगर हम जो दूध वाले लाए होते तो उधर से यहाँ आने के बाद खाना में थोड़ी सी कम ज़्यादा हो गया होता, तो जो पूरे गाय है उन्होंने दूध बहुत कम दिया होता, बाद में दूध ही नहीं दिया होता। तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि हम डायरेक्ट इधर आके बच्चा दे वैसी गाय लाए थे। तो पूरी की पूरी जो गाय है वो पूरी बच्चा देने वाली, खाली दो गाय है कि वो बच्चा नहीं देंगी, जो कि हाँ ये वाली अभी दूध दे रही है, तो अभी हम घर घर पे ही चाय पानी के लिए, और दिन भर मेहमान चालू रहते हैं तो उनके लिए वो गाय का। और अभी जो ये पीछे जो एक बच्ची दिख रही है आपको, ये अभी 2-4 दिन में बच्चा दे देंगी। तो अभी चलो फटाफट से इनको छोड़ के नीचे बांध देते हैं और इनको चारा बिरा कर देते हैं। अरे चल बैठ, चल सीधी खींच के लेके जाएंगे मुझे यहाँ पे, ये देखो बशु आ रहे इसकी वजह से सीधी यहाँ खींच के लेके जाएंगे। चल देखो, प्रॉब्लम यही आ रहा है कि अगर मैं ब्लॉग शूट करूँ तो क्या होता है कि काम करने के लिए कोई नहीं है, अगर सॉरी फ़ोन पकड़ने के लिए कोई नहीं, क्योंकि अगर मैं काम करता हूँ तो फ़ोन कौन पकड़े। देखो एक हाथ से तो छूट नहीं रहा है, ठीक है चलो अभी बंद ही कर देते हैं। तो गाय जो है उनको हमने अभी बांध दिया है, और अभी जो गाय है उनको चारा करना है। बाकी गाय बाकी सब एकदम व्यवस्थित है, और बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो भी बोल रहे हैं कि दूसरे गाय कब लाने वाले हैं। तो
फिलहाल तो अभी जो हमारे महाराष्ट्र में जो गाय है वो नहीं लाने वाले, इसमें हम दूसरी दो गाय ऐड करने वाले हैं, और वो जर्सी है जो कि यहाँ पे की काठियावाड़ी जर्सी, जो काठियावाड़ी जर्सी होती है ना, वो यहाँ पे हम लाने वाले हैं, क्योंकि HF अगर लाते हैं तो उनको यहाँ पे जो हवामान है वो उनको शूट नहीं होता है, तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो उसकी वजह से अभी जो हम लाने वाले हैं वो दो काठियावाड़ी जर्सी लाने वाले हैं, और बाकी जो है कि दोनों अपनी जर्सी वो भी बच्चा देने वाली, तो इन दोनों का दूध चालू हो जाएगा, और ये वाली जो बच्ची है उसका भी अभी दो तीन दिन में ये भी बच्चा देने वाली है, तो इसका भी दूध चालू हो जाएगा। तो अपनी यहाँ पे तीन गाय है और दो गाय दूसरी आ जाती, तो पाँच गाय अगर दूध चालू हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी ऐसे भी इधर का जो फसल काटने के बाद यहाँ पे भी बहुत सारा चारा हो जाएगा, और अभी हम खुद का भी चारा करने वाले हैं, और आगे तो आपको हम बताएंगे कि हमारी यहाँ पे कितनी ज़मीन है, क्योंकि अभी तो मेरे को फ़िलहाल काम है, तो आगे बता देंगे। और यहाँ पे हम चारा ही करने वाले हैं खेत में, और बहुत सारा यहाँ पे जो चारा है वो महंगा है, तो उसकी वजह से खुद के खेत में करना पड़ता है। वैसे जब सीज़न होता है तब चारा इतना महंगा नहीं होता, लेकिन क्या हो गया कि हम थोड़े से जल्दी आ गए, पहली जो सीज़न थी तब हम आए नहीं, तब जब जो भी चारा था वो काट के उन्होंने बेच दिया। अब दूसरी वाली जो फसल की सीज़न है वो अभी एक महीना बाकी है उसको, और हम थोड़े से जल्दी आ गए, तो इसकी वजह से अभी क्या हुआ है कि अभी वो छोटा छोटा है, तो अभी वो कोई बेच ही नहीं रहे, जिसके पास है वो उसका जो दाम है वो बढ़ा के ले रहे हैं, तो उसके वजह से लगभग अभी 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर फिर से फसल जो है निकलने का चालू हो जाएगा, तो बाद में जो उसका दाम है वो कम हो जाएगा, तो फिर बाद में चल जाएगा। तो अभी फटाफट से जो गाय है उनको चारा कर देंगे, क्योंकि बापूजी भी पीछे काम बैठे, हाँ देखो वहाँ पे बैठे हुए, फिर वो सीधा क्या करेंगे, धो काट हो जाएंगे सूटा, तो अभी फिलहाल तो चारा है गाय को वो कर देते हैं, और जो बाजू की जो काम है लगभग हो गया है पूरा, वो आपको आगे बता देंगे, पहले तो चारा कर देते हैं। चलो तो फिलहाल जो चारा है वो काट दिया है, अभी ये जो चारा है पूरी गाय को उनके आगे रख देंगे, क्योंकि ये पूरा जो है खाते नहीं, इसकी वजह से इनको कटिंग कर दी है मैंने, अब फटाफट से डाल देते हैं। तो फिलहाल जो है कि इनको चारा जो है कि कर दिया है, अभी दूसरा चारा करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी इतना चारा खाने के बाद इनको सीधा पानी पिला देने का, बात ख़त्म। अभी घर पे दूसरा बहुत काम है, तो अभी इनका जो काम हो गया ख़त्म, अब दूसरा काम कर लेते हैं, और बाकी का जो काम है वो सब हो गया है पैक, वो साइड का जो कि ऊपर का पत्रा मारना बाकी है, तो वो भी उन्होंने काम चालू कर दिया है, वहाँ तक हो गया है, अभी वहाँ तक मार देंगे, तो इसका जो पूरा का पूरा जो साइड का काम है हो जाएगा एकदम ख़त्म। इसलिए लगाया था हमने कि शाम को टाइम धूप आता है, ये लगा देने के बाद यहाँ पे गाय बांध देते हैं, और बाकी तो फिर क्या है कि देखिए ये सब पकड़ने के बाद इसको खींच लो, बंद करने के बाद हो गया पैक, वहाँ पे गेट है, दोनों गेट बंद कर दिया, बात ख़त्म। और आप देख सकते हो रोज है, देखो इधर इसको रोज बोलते हैं, देखो कैसे भागे जा रहे हैं, वो बहुत डरते हैं, मैंने आपको पास जाके बताया होता, लेकिन वो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ फिर भी इतनी स्पीड से भागे जा रहे हो, तो मैं तो पास जाऊँगा तो बहुत, और इनकी स्पीड देखो आप, अभी कुछ कम टाइम में कितने दूर चले गए हो, वो सामने जा रहे, और आपको मंकी की भी आवाज़ आती होगी इधर से, वो देखो आवाज़ आ रही उधर से, और रोज़ जो बोलते हो तो बहुत दूर हो, देखो कितने दूर चले गए, दिख भी नहीं रहे हो, देखो जा रहे हो जा रहे, मैंने उसको देखा इसकी वजह से मैंने बोला चलो पास जाके देखेंगे, लेकिन वो तो बहुत भागते हैं, देखो वहाँ सामने जाके खड़े रह गए वो, अभी चलो उनको छोड़ते हैं और चलते हैं घर पे। और यहाँ पे हम कभी कभी रील्स शूट कर लेते हैं, तो फिलहाल अभी जो है कि ये वाले जो पाइप है कुछ पाइप, पहले तो हमने इसको कलर दे दिया है, लेकिन ऐसे बीच में से अभी हमने कहीं ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे ज़रूर है, वहाँ पे हमने जो ये पाइप लगाई थी तो उसका जो कलर करना बाकी था, तो अभी वो कलर करना है, देख सकते हो इसको ने कलर किया है, फिर ये वाली जो हमने पीछे से लगाई तो इसको ने कलर किया,
तो अभी फिर पहले तो कलर कर देंगे। बापू जी है वो कलर और वो दूसरा वाला केरोसिन मिक्स कर रहे हैं। तो जो हलावता नहीं बस पेट गोड़ था ही नहीं बोलो नाश्ता। हाँ ये पान है ना सही तर फोटो पाड़ू हाँ हूँ पाड़ू जो अन बीजू पानी दियो। तभी इसमें मिक्स कर दिया है और अभी लेते हैं फटाफट से और इस साइड के जो पूरा बाकी है फटाफट से इनको कलर कर देंगे। पहले कलर किया था लेकिन अभी जो बाकी है उनको कलर करना बाकी है तो इसको फटाफट से कलर कर देते हैं। और गाय तो सब अभी खा रहे हैं। हूँ बैठ लिया सर मंदिर आया जो है तो अपन स्टैंड लेंगे क्योंकि मुझे जो है कि बापूजी हो निचले साइड के जो है उसको कलर देंगे और मुझे देना है ऊपर साइड के। तो ये वाला स्टैंड अपन लेके जाएंगे और स्टैंड पे खड़ा रह के कलर दे देंगे। तो फाइनली जो है कि लगभग पूरा कलर हो गया है वहाँ से वहाँ तक का थोड़ा ही नॉर्मली कलर बचा है। और गाय जो है उन्होंने चारा जो है वो खा लिया है अभी बैठे हैं। तो अभी थोड़ी देर से इनको पानी पिला देंगे और वो छोटे एक बच्ची है उसके लिए थोड़ा सा घास लेने भी जाना था तो लेके आते हैं। तो जो एक छोटी बच्ची है वो सूखा जो चारा है वो कम खाती है तो इसके लिए इसको थोड़ा सा यहाँ से इधर से घास काट के इतना डाला है। थोड़े बच्चे खाएंगे और जो बचेंगे वो गाय खा लेंगी। और सामने देख सकते हैं आप दो पक्षी हैं। अपन थोड़ा सा उनके पास जाएंगे वो उड़ जाएंगे लेकिन जाएंगे। तो अभी इसको जो है उठा के घर पे लेके जाना है पर पहले तो अपन वो पक्षी के पास जाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारा घास है लेकिन गाय को फिलहाल तो नहीं डालते। जब इसकी पूरी कटाई हो जाएगी तो गाय जो है इसमें चरने के लिए आ जाएंगी। इसमें कटाई लगभग अभी 15-20 दिन में इसकी कटाई हो जाएगी। और वो पक्षी सामने है लेकिन उसके पास जाने के बाद वो उड़ जाएंगे वो मुझे पता है लेकिन फिर भी अपन उनके पास जाएंगे। भाग रहे आगे तो फाइनली जो है कि अभी गाय को प्यास लगी है तो अभी मोटर चालू करते हैं और गाय को पूरे गाय को पानी पिला लेते हैं क्योंकि चारा पीरा तो उन्होंने खा लिया। तो अभी फटाक से पानी पिला लेते हैं और लगभग जो कलर है वो भी हो गया फाइनली पूरा। और आप देख सकते हो शर्ट मैंने चेंज किया जो पहले वाला शर्ट था वो तो पूरा कलर हो गया और ये देखिए हाथ में पूरा पेंट लगा हुआ है। तो अभी फटाक से इसको गाय को पानी पिला लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। खेसी पड़ी
तो फाइनली जो है कि गाय को पानी भी नहीं पिला दिया है, अभी गाय को 10-15 मिनट के लिए खान देंगे, बाद में इधर बांध देंगे छाव में। और अभी मुझे भी लगी है भूख, तो मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने को। और आज के लिए बस इतना ही, इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आई होप अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो इस व्लॉग को एक लाइक कर दे और नीचे एक कमेंट कर दे। अगर आप कमेंट करते तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और कुछ ना करें तो ठीक है, लेकिन कमेंट में हाँ मोझा इतना भी लिख देते तो फिर भी हमें अच्छा लगता है कि नहीं इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, तो हम और नए नए ब्लॉग लाते रहेंगे। और ये नया मैं ये जो जगह है वो मेरे लिए नया है, तो अभी थोड़ा सा ब्लॉग शूट करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ भी सेट हो जाएंगे और आपको भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं कोई नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।